आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल में शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग आज का हमारा चैप्टर है और हम इसी पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डेटा शॉर्टिंग, तो सबसे पहले चीज को जानिए कि डेटा शॉर्टिंग आखिर होता क्यों है और क्या बेनिफिट है। मान लीजिए कि आप किसी किसी चीज का लिस्ट लगा है, उसपे आपका अपना नाम ढूंढना है। अगर वो नाम आपका अल्फाबेटिक सॉर्टेड हो या फिर आपकी कोई यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग हो तो आप इजिली इसको ढूंढ लेंगे। माने प्रिंट आउट लगा के चिपकाया हुआ, मान लीजिए ना कि आपका रिजल्ट ही निकला हुआ है, तो रोल नंबर आपका सिक्वेंस है तो उसके अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं आप। रोल नंबर सिक्वेंस नहीं है, जैसे अधिकतर यूनिवर्सिटी में होता है, तो अगर नेम वाइज अल्फाबेटिक है तो आप इजिली उसको सर्च कर सकते हैं। अगर सॉर्टेड नहीं हुआ, अरेंज नहीं हुआ, तो पूरे लिस्ट को आपको दोबारा देखना पड़ जाता है। तो यही चीज सॉर्ट होता है, या सॉर्ट सिर्फ उसी चीज के लिए, और इसके भी काम होता है। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए टॉप सैलरी, टॉप 5 सैलरी पर्सन का नाम मुझे कहीं पे चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा, तो इस सैलरी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। और फिर मैं 5 को सेलेक्ट करके कॉपी करके जहां चाहिए वहां पे इसको हम डाल देंगे। क्लियर है सर? अब बात करते हैं सॉर्ट करने से पहले सिलेक्शन की जरूरत है या नहीं, वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा में एक बिल्कुल ब्लैंक रो है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर पूरी की पूरी एक रो ब्लैंक हुई, इसका मतलब है कि आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया तो एक कंट्रोल ए के माध्यम से काम करेगा और आपके जो ब्लैंक रो है उसके ऊपर तक की डेटा को ही शॉर्ट कर देगा। अगर आपके यहाँ शॉर्ट में डेटा रो ब्लैंक है, पूरी की पूरी ब्लैंक होनी चाहिए, ब्लैंक है, तो इस केस में आपको शॉर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास डेटा आपका शॉर्ट नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम मुझे अगर किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था, जैसे कि सैलरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था, तो उसके हेडिंग पे अपना मैं कर्सर रखा और सॉर्ट एंड फिल्टर जो कि होम एनवायर में होता है उसमें गए, शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए हमने यहाँ पे कर दिया, ये मेरा शॉर्ट हो गया, राइट। लेकिन मुझे चाहिए, जैसे मैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा सैलरी भी सॉर्ट हो, तो दो या दो से अधिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है, उस केस में हम जाएंगे कस्टम सॉर्ट। और यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हमारा डिपार्टमेंट और फिर यहां से एड लेवल और फिर सिलेक्ट करेंगे हमारा मंथ। और जैसे कि डिपार्टमेंट में मैंने ए टू जेड कर दिया, मंथ नहीं करता हूं, मैं करता हूं सैलरी, सैलरी के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका सैलरी शॉर्ट हुआ है। तो दो फील्ड में हम कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये बेसिक सी चीज है, बहुत सारे लोगों को बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं। जैसे कि मुझे अगर मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो यहाँ देखिए हमारा अप्रैल पहले आया है, फिर अगस्त आया है, जो कि गलत है। मैं अपने कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहता हूँ, उस केस में मैं कस्टम शॉर्ट पे आऊंगा और यहाँ मंथ को सिलेक्ट किया और यहाँ ए टू जेड को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कस्टम लिस्ट दिखती है जिसके बारे में हमने आपको पहली क्लास में बताया था। इस कस्टम लिस्ट में मैंने इसको सिलेक्ट किया जैन फायर एंड इसको ओके किया एंड ओके किया, तो हमारा जनवरी से फरवरी दिसंबर मार्च इस तरह से कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया। लेकिन मुझे शॉर्ट करना है अभी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अप्रैल टू मार्च, तो हम शॉर्ट करते समय जहां हमने शॉर्ट किया कस्टम शॉर्ट में, कॉस्ट शॉर्ट करते समय हम यहाँ कस्टम लिस्ट में अपना खुद का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यू लिस्ट में गए, मैं यहाँ पे अपना लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि अप्रैल,
एंटर मारा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, और फिर इसको ऐड कर देते हैं, देन ओके, और फिर इसको ओके कर देते हैं, तो आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ। अब कुछ अब हम बात करते हैं कि यहां पे जैसे हमने अप्रैल के अकॉर्डिंग सॉर्ट किए, अब मुझे इस तरह से जैसे हमने अप्रैल मई जून अपने का साल सीक्वेंस बना लिया, तो क्या हम डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर नेम का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। तो कैसे, तो कस्टम सॉर्ट पे आइए। जैसे मुझे डिपार्टमेंट में अपने हिसाब से सॉर्ट करना है, तो कस्टम लिस्ट में गया और जो सीक्वेंस चाहिए, जैसे मुझे सबसे पहले आईटी चाहिए, फिर मुझे आरएनडी चाहिए, और फिर मुझे सेल्स चाहिए, और मुझे पूरा नहीं, बाकी तीन चीज ऊपर आना चाहिए, बाकी अल्फाबेटिक होना चाहिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं और इसको ऐड कीजिए, देन ओके एंड देन ओके। अब देखिए जो आईटी आया, डिपार्टमेंट आया और सेल्स आया। इसमें भी अगर मान लीजिए सॉर्ट करते समय मुझे कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो ये चीज भी आप सॉर्ट में कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट में आते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपना सैलरी। सैलरी में सेल वैल्यू की जगह पे हम सेल कलर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम अपना ब्लू ऑन द टॉप ऑन द बॉटम जो सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। देखिए ऐसे आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन बगा लगा हुआ है, जो कि मैंने बताया था आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और आइकन सेट में हमने मान लीजिए इस आइकन को लगा दिया। अब मुझे शॉर्ट करना है आइकन के अकॉर्डिंग, तो कस्टम शॉर्ट में हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे ओवर टाइम सिलेक्ट करता हूँ और सेल आइकन की जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट कर लिया, और जो आइकन को हम टॉप या बॉटम रखना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन ओके करते हैं। देखिए आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्ट हो गया। अब इसमें कुछ और भी है, जैसे कि आप जैसे कस्टम शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी आपके फील्ड्स के नेम आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि माय डेटा हेडर पे क्लिक है, सम टाइम एक क्लिक नहीं होता है तो यहाँ पे कॉलन आता है, और शॉर्ट करते समय आपका हेडिंग भी इफेक्टेड होता है, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो माय डेटा हैज हेडर पे क्लिक कर दीजिए, वापस आपका फर्स्ट रो जो है वो आपका हेडिंग हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट में लेता हूं, तो डिपार्टमेंट देखें कि आईटी यहां पे बड़ा है, नीचे स्मॉल है, तो मैं ऑप्शन में आके केस सेंसिटिव पे क्लिक करके ओके करूंगा, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जहां आईटी है स्मॉल लेटर वाला ऊपर आया है और आपका कैपिटल लेटर नीचे चला गया है, तो केस सेंसिटिव करते समय इसका ध्यान आप रख सकते हैं कि भाई बड़े का लिखा हुआ ऊपर आया, छोटे का लिखा हुआ नीचे आया, ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते। तो शॉर्ट में अभी तक हमने आपको बताया टॉप टू बॉटम, अगर मुझे शॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मंथ देता हूं और मैं यहाँ पे सेल्स देता हूं और यहाँ पे मैं जैन फाय मार्च जो भी है सिलेक्ट कर देता हूं, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और देखिए जब भी आप लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करेंगे तो अपनी हेडिंग को सिलेक्ट मत कीजिएगा, कस्टम में आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ सॉर्ट लेफ्ट टू राइट हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे रो वन या रो टू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि रो टू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने सिलेक्ट किया एंड ओके किया, आपका सॉर्ट।
रवि जी, मनोज जी एंड रमेश जी, अभी तक की किसी डाउट की प्रॉब्लम है आपको? नो सर। नहीं सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं जनरली सबको बोलता हूँ, पहली ट्रिक्स कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए, हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए। तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम एक नया कॉलन ऐड करेंगे और उस कॉलन में हम सीरियल नंबर देंगे 1 एंड 2, और सीरियल को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और इसी सीरियल को कॉपी करके हम इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी थ्योरी ये कहता है कि ये जो 1 है ये पूरा इसका ब्लैंक है, ये पूरा इसका ब्लैंक है और ऊपर वाले 1 पे डेटा है। जब सीरियल नंबर अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो 1 1 एक जगह होगा और नीचे वाला 1 जो है अकेले नहीं आएगा, ये पूरी ब्लैंक रूप लेके आएगा। सो हम इसको सॉर्ट करते हैं, यहाँ आते हैं कस्टम सॉर्ट और यहाँ पे हम सीरियल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। तो देखिए एक एक कॉलम के अकॉर्डिंग आपके पास एक एक रो इंसर्ट हो गया। तो चलो ये तो रो इंसर्ट करने की बात रही, लेकिन मान लीजिए कि आपके डेटा में बीच बीच में ब्लैंक रो है और सारे रो को रिमूव करने हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसको डिलीट करते हैं फिल्टर लगा के। देखिए डिलीट करने में नीचे का पूरा डेटा ऊपर आता है, पीछे का डेटा डिलीट होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत और हैंग भी करता है और डिले रिस्पॉन्स भी करता है, तो कई सारे प्रॉब्लम इसलिए हैं। तो उन सब प्रॉब्लम का सलूशन है कि हम डिलीट ना करके किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर ले, लेकिन शॉर्ट से पहले सिलेक्ट जरूर कर ले। जो आईडी के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर लिया, तो इसमें होगा क्या कि हमारा रो डिलीट, ब्लैंक रो डिलीट नहीं होगा और नीचे चला जाएगा और हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। क्लियर है रवि जी, मनोज जी एंड रमेश जी? सर राउट उसने सर अब इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे अगर एक एक रो नहीं, मतलब कि हर तीसरे के बाद मुझे एक ब्लैंक रो ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका भी सिंपल है कि मैं यहाँ 1 सीरियल नंबर का कॉलम देता हूँ और 1 को 3 बार लिखता हूँ और फिर प्लस करके ऊपर वाले पे +1 कर देता हूँ, फिर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। इससे क्या होगा कि हर सीरियल 3 बार रिपीट हो जाएगा। फिर नीचे मैं देखता हूँ कि मेरा जो सीरियल है वो 33 है, तो मैं यहाँ 1 से लेके 33 बट एक एक बार बनाता हूँ। तो मैं बनाने के लिए सीरीज का लेता हूँ जो कि कल हमने डिस्कस किया था सीरीज, और यहाँ पे मैंने बोल दिया 33 एंड ओके। तो यहाँ पे 1 लिखना भूल गया था, अब यहाँ पे मैं फिल सीरीज 1 से लेके 33 एंड ओके 33 हो गया। अब इसको सेलेक्ट करता हूं और ड्रैग करता हूं कस्टम शॉप सीएल नंबर का। हर 3 के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। ठीक है रवि जी, कोई डाउट इसमें? नहीं जी।